नमस्ते, स्वागत है आपका सैम्स डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पे। ये हम आज निप्योर घास बो रहे हैं, इसको हम गजराज भी बोलते हैं, कई नाम से लोग बुलाते हैं, नेपियर है, गजराज है। ये हमारे खेत में हमने लगाया हुआ ही है, उसमें से ही ये निकाल निकाल के दूसरे खेत में तैयार कर रहे हैं। हाँ, इसमें खेत में से निकाल के दूसरी जगह पे लगाने के लिए एक ध्यान रखना पड़े, यही पक्की डाली ही चाहिए, कच्ची नहीं चले, एकदम स्मूथ है तो नहीं चलेगी। और इतनी हैवी होती है, एक ही बोते में से एक गाय आराम से एक टाइम का खाना पूरा कर सके, इतना बड़ा होता है। एक बोते में से करीब 15-20 किलो जितना निकलता है, और 12 से 13 फुट तक हाइट पकड़ता है। और गायों को खिलाने के लिए हम काटते ही है, ये गायों खा लेगी ऊपर का जो बोना नहीं है हमको। है ये हैवी लेकिन ये स्मूथ है, तो ये इसको नहीं बोना। ये भले पतली डाली है लेकिन पक्की है, तो इसमें आराम से जड़े लग जाएगी। डाली भले नहीं है लेकिन ये जड़ में से नहीं फूट अपने आप निकलती रहती है। देखो ये दूसरा यहाँ निकल रहा है, ये तो एक निकल गया, एक दूसरा तैयार हो रहा है, तो इसमें से अपने आप निकलता रहता है। एक ही लगाओ और दो कटिंग में ही इसकी कई डालियां निकल जाती है। ये नेपियर घास की जो गांठे है वो हम एक एक अलग पीस कर दिए है। वो एक पिछले वीडियो में हमने दिखाया भी था कि इसको किस तरह से उगाना है, तो ये तो अभी मैं सिर्फ डाल ही रहा हूँ। ये हमने एक ही बार लिया था, उसके बाद ये इसके सीड्स जो वहाँ पे है वो अभी पूरा हो गया है, तो उसी में से कट करके सिर्फ ये जो गांठे रहती है वो एक गांठ सिर्फ अंदर डाल देनी होती है। ये अभी तो मैं सिर्फ डाल ही रहा हूँ, पीछे ये विजय चोप रहा है। तो ये सुबह से हम घास की कटाई करते थे और उसमें से जो ये निकलती थी घास, तो वो हम अलग से कटिंग कर रहे थे इसकी सभी गांठों का। हमको सिर्फ दो गांठ चाहिए या सिर्फ ऐसी जड़े वाली जो घास वो चाहिए, बो देंगे तो नया घास मिलना शुरू हो जाएगा इसका भी। इसकी गांठ कुछ इस तरह की आती है, वो मैंने कई वीडियो में दिखाया है,
नेपियर घास, बुलेट घास, गजराज घास, काफ़ी सारे नाम है इसके। तो ये जो भी ये बियारण वाले जो लोग होते हैं, जो ये घास का सीड्स या ऐसी गांठ जो हमें देते हैं, तो सभी लोग अलग अलग नाम लेते हैं कि इसका, कि भाई ये बुलेट घास है, ये गजराज है वगैरह, लेकिन होता तो वो एक ही है। कहीं पे इसको घोड़ा घास भी बोलते हैं। ये अगर आपके खेत में अगर थोड़ा सा भी हो जाए तो दोबारा इसके ये जो गांठ जो वो लोग बेचते हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी में से दूसरा बना सकते हो। जैसे गन्ने चोपते हैं खेत के अंदर, ये उसी तरह का होता है, गन्ने की तरह। गन्ने में भी जैसे गांठ अलग से बो दो ज़मीन के अंदर, तो वहाँ से वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसका भी सेम है, देख सकते हो ये कितनी छोटी डंडी, तो इसमें भी इसने जड़ें देनी शुरू कर दी है। तो ये सिंपल है, इसको लगा दो चुप यहाँ पे ज़मीन के अंदर, तो अपने आप पत्ते निकालना शुरू कर देगी। इसका जो पहली कटाई आएगी वो थोड़ी कम रहेगी, दूसरी कटाई में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगेगी। और सबसे अच्छी बात, ये निकलने में भी बहुत स्पीड रखती है, 45 डेज के आसपास इसकी पहली कटिंग आ जाती है, और इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। तो इसका वजन भी होना चाहिए कि थोड़ी ही कटाई में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दे, तो ये घास का नंबर आता है उसमें सबसे अच्छा। इसके हमने छोटे छोटे क्यारे किए, इसकी प्रोसेस अगर देखे तो हम सुबह से लगे तो अभी आधा खेती हुआ है और अभी आधा बाकी है और शाम होने आई है, बाकी का काम कल कर देंगे। इसको बोने से पहले हमने ये पूरा खेत भिगो दिया था, तो ये अभी नीचे तो गीला ही है, ये इसके जो क्यारे होते हैं उसके साइड में वहाँ पे वो ठीक से भीगा नहीं है, लेकिन इसको उगाने के तुरंत बाद हम दूसरा पानी छोड़ देंगे इसमें ताकि वो अच्छे से भीग जाए। इसमें जो बीच में गांठ होती है वो नहीं आई, लेकिन सिर्फ पूरा जड़ों के साथ ही ये आ गया है। ये सभी थोड़े थोड़े डिस्टेंस में, अभी एक फुट भी नहीं बोल सकते, एक फुट से कम डिस्टेंस है या ज़्यादा है कहीं में, लेकिन ये सब कुछ यहाँ पे ही ऐसे ही उगा देंगे ताकि हमको ये पूरे खेत के अंदर यही घास मिले। ये कई इसकी डंडियाँ बहुत छोटी है, लेकिन उसका रीज़न यही है कि ये जो घास है अभी उतनी बड़ी नहीं हुई, अगर वो बड़ी हो जाती तो यही डंडी बहुत हमको थिकनेस साइड साइज में मिल सकती है। ये समझो कि अगर आप रेडी में ये इसको लेने जाओ तो ये इतना पीस आपको 3 रुपए से 5 रुपए के बीच में मिलता है, तो उससे अच्छा है कि हमारा खुद का ही घास है तो उसी से कट करके इसके जो इसे ही सीड बोल सकते हो आप, क्योंकि इसमें से ही नया पौधा निकलना शुरू हो जाएगा, तो ये नया खर्चा क्यों करें। सबसे सिंपल तरीका है कि इसी को ही कट करके बो दो। जहाँ जहाँ पे भी इसकी जड़ें हैं, यहाँ पे इसकी जड़ निकलना शुरू हो गई है और ये सीधा है। यहाँ ये सबसे खास बात, जमीन के अंदर अब जब भी डालो तो सबसे पहले ये आप देख लो कि सीधा भाग कौन सा है। अगर यहाँ से पत्ते निकल रहे हो, आपको पता ही चलना ही चाहिए कि पत्ते निकल रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ ही निकलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पत्ते ऊपर जा रहे हैं तो ये भाग ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से आप बोदोगे तो यहाँ से उसकी नई आंख भी है इसके अंदर, और यहाँ से जड़े रख के नया पौधा निकलना शुरू हो जाएगा इसमें से। अगर इसको उल्टा डाल दोगे तो ये इसमें से नया पौधा नहीं निकलेगा, तो ये पीस फेल हो जाएगा। चलिए, मेरा काम तो शुरू ही है, कल तक ये मुझे पूरा खेत ख़त्म करना है, तो हम सभी लोग इसी में लग गए। फादर वहाँ पे कटिंग कर रहे हैं।